तो अगर आप रेसिंग गेम्स के शौकीन हैं प्ले स्टेशन पे, एक्सबॉक्स पे या पीसी पे, तो एक रेसिंग व्हील काफ़ी अच्छी एक्सेसरी रहती है, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती है कंट्रोलर के कंपैरिजन में और आपको काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव फील देती है। G29 एक ऐसा ही रेसिंग व्हील है जो पीसी और प्ले स्टेशन इकोसिस्टम के लिए बना है, और आज हमारे पास एक G29 है जो हम F1 2021 PS5 पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और देखते हैं कि क्या क्या है जो पैकेज में आता है। तो जैसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे, मेरी भी पहली बार है जब मैं ये बॉक्स खोल रहा हूँ, एक हफ्ते से आया, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसे। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बताती है कि कैसे इसे सेटअप करना है, जो कि हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक अडैप्टर है, ऑफ कोर्स पावर सोर्स चाहिए रेसिंग व्हील के लिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे, काफ़ी भारी है ये ओवरऑल पैकेज ही, लगभग 7-8 किलो का है। ये है जी पेडल्स आपके, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, तो ये भी इसके साथ आता है। चलिए इसे भी साइड रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है स्टेयरिंग व्हील, अगर मैं ये खोलूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इस पर एक प्ले स्टेशन का लोगो बना है, पर जैसे मैंने कहा पीसी पे भी कंपैटिबल है। यहाँ पे इसमें पीछे गियर शिफ्टर्स हैं और काफ़ी सॉलिड है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये है, इसके साथ एक USB केबल आती है जो आपकी प्ले स्टेशन में अटैच होगी, और इसे आपको एक टेबल या अगर आपके पास प्रॉपर चेयर है उसके उसमें अटैच करना है। तो ये है अगली एक्सेसरी, और चलिए देखते हैं शायद इसके डब्बे में कुछ और है कि नहीं है। नहीं, अगर आप चाहें तो एक अलग से इसका गियर वाला जो है वो एक्सेसरी वो भी खरीद सकते हैं। मैंने नहीं ली, वो सेपरेटली आपको 3-4 हज़ार की शायद मिलती है। यहाँ पर मैंने कवर अभी तक हटाया नहीं था। तो ये है इसका जो पेडल्स है। तो चलिए ये है एक्सेसरीज़, अब हम इसे सेटअप करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है प्ले स्टेशन पर। तो चलिए इसे सेटअप शुरू करते हैं। अब मेरे पास एक गेमिंग चेयर तो नहीं है, रेसिंग चेयर सॉरी, तो हम इस टेबल से काम चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो कंट्रोलर है, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, यही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको अटैच करनी है एक्सटेंशंस पैडल की और पावर की। तो मैं अगर ये तार खोलूँ, काफ़ी सिंपल है, इसमें 2-4 पोर्ट्स ही हैं ऊपर, तो ये जाएगा यहाँ। देखने में काफ़ी पुराना सा पोर्ट लगता है ये, पता नहीं क्यों USB पे अपग्रेड नहीं है, बट एनीवेज जो है वो है। तो कोशिश कर रहे हैं हम इसे लगाने के लिए, लग गया, काफ़ी सिंपल। और इसी तरह आपको जो पावर अडाप्टर है, एक्सटर्नल पावर अडाप्टर लगेगा इसमें। USB में इतनी पावर नहीं होती कि आपके प्ले स्टेशन पोर्ट से ये से पावर कर पाए, तो एक USB के साथ आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा, जो कि हम लगा रहे हैं, अगर ये खुल जाए आज। चलो काफ़ी, और ये भी साथ में ही लग जाना है। तो ये 3-4 चीज़ें लगानी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पोर्ट, ये जो स्विच है, ये अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ से ये जो नीचे लीवर्स हैं ये ऊपर या नीचे होते हैं। तो अभी मैंने मैक्सिमम पोजीशन पे खोल दिया है और मैं इसे यहाँ रखूँगा। लकीली काफ़ी स्नगली फिट हो रहा है ये, एक्सेप्ट फॉर द केबल, पर कोशिश करते हैं इसे लगाने की, अगर ये लग जाए। इशू यह है कि थोड़ा सा लूज़ है और फिट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार तारे दोबारा से देखते हैं इसकी कहाँ से जा रही है, और कोशिश करते हैं कि फिट हो जाए। हो गया, लकीली काफ़ी अच्छा फिट है, अब इसे टाइट करना है। टाइट इसलिए करना है क्योंकि इसमें फोर्स फीडबैक होगा, तो काफ़ी स्टीयरिंग भी फीडबैक देगा, जो कि ज़रूरत है जिसके लिए आपको एक स्टेबल मोड की। अब ये देखिए, ये तैयार तो हो गया है, ऑल्दो ये थोड़ा सा हिल रहा है, बट आई थिंक अगर इस पर सेटअप कुछ वेट रखें और इसे इस चेयर पे रखें तो ये काम चल जाएगा। और ये हो गया सेटअप, आप इसे कनेक्ट करते हैं प्ले स्टेशन से और देखते हैं कैसी है परफॉर्मेंस। तो फाइनल सेटअप कुछ इस तरह का दिखता है। जो मेरा पहला आइडिया था सोफे पे टेबल के साथ ही इसे यूज़ करना, इतना इफेक्टिव नहीं था वो, तो मैंने इसे अपने स्टडी टेबल के साथ अटैच कर दिया,
और इस तरह से कुछ सेटअप दिख रहा है फाइनली। काफ़ी इजी है इसका कंट्रोलर सेटअप करना, बस यूएसबी प्लग कीजिए प्ले स्टेशन में। एक बार आपने वो कर दिया तो अपने आप रिकगनाइज़ कर देता है प्ले स्टेशन कि एक नया कंट्रोलर है और ये चलने लग जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसी है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। चलिए शुरू करते हैं M1 2021, जिसकी रिलीज सजा समझ लिया गया है, सब कुछ सेटअप हो गया। गेम को लॉन्च करते हैं और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस है, कैसे एक्सपीरियंस आता है। आप देख सकते हैं इसकी एलईडी चल रही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे एक स्विच है जो PS3 वर्सेस PS4 मोड में आपको डिसाइड करने देते हैं कौन से में जाना है, और PS5 और PS4 की आपको PS4 मोड में राइट की तरफ उस स्विच को घुमाना है। चलिए इसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक M1 2021 के पास नेटिव सपोर्ट है G29 के लिए, तो कोई सेटिंग्स में जाके कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा टाइम ट्रायल मोड करेंगे। इसके जो पैडल शिफ्टर्स है वो R1, R2, L1 है और R1 है आपके। तो अगर कन्फ्यूजन हो क्योंकि मुझे पहली बार नहीं मिल रहे थे यहाँ पर, तो आपको बस पैडल शिफ्टर से चेंज करना है। और हमें DLCs नहीं लेने हैं, हम एक सोलो रेस करेंगे टाइम ट्रायल। मैं रेड बुल सपोर्टर हूँ तो रेड बुल की गाड़ी हूँ, और कोई इतना ईजी ट्रैक लूँगा कि बहुत बेइज्जती ना हो। देखते हैं सबसे ईजी ट्रैक, कैनेडा वैसे ईजी लगता है मुझे काफ़ी। और जो कंट्रोलर होता है तो हमेशा एक प्रॉब्लम रही है कि अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करें या थोड़ी भी असिस्ट कम करें तो गाड़ी आप चाहे जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हों आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमें वो ही देखना है यहाँ पे कि क्या उस सब का फ़र्क पड़ता है अगर आप कंट्रोलर की जगह इस रेसिंग व्हील से खेल रहे हैं। तो चलिए फ्लाइंग ड्राइव करते हैं, और पहले एक सेटिंग से हम इसके ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑफ कर देते हैं। अभी देख सकते हैं सब कुछ ही ऑन है, यहाँ एंटीलॉक ब्रेक्स ऑन थी, ब्रेकिंग ऑन था, ये दोनों ही हमने ऑफ कर दिए। ये समझने के लिए कितना फ़र्क है क्योंकि तो इनपुट मेरा एक्सीलेटर है नीचे थोड़ा, पहली बार है तो टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इसमें दूर नहीं हूँ, और ये इस तरह की गेम है जो आपको ओके काफ़ी खराब खेल रहा हूँ। चलिए काफ़ी आई वुड से कंट्रोलर से काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिलता है आपको, काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील होता है। मेरी ख़राब नहीं सारी वीडियो पर जा रही, पर एनीवेज पॉइंट अब ये मैं दिखाना चाहता हूँ कितना डिफरेंट है ये कंट्रोलर के कंपेरिजन में, और मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है मेरी गाड़ी पर। एक्सीलेटर भी जैसे अगर मैं फुल पेडल प्रेस करूँ तो फुल होता है, अगर थोड़ा प्रेस करूँ तो थोड़ा रहता है। ब्रेक में भी वैसा ही है, स्टेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा हल्का कर सकते, तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा ही मजे है। अगर आप चाहें तो गियर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने होंगे, मैं ये कहूँगा कि एक कंट्रोलर या कीबोर्ड से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमर्सिव है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होगा आपको रेसिंग करते हुए। तो उस हिसाब से रेडी वैल्यू फॉर मनी है, ऑल द कैवेट है भी कि आप एक्चुअली रेसिंग गेम पे इतने इन्वेस्टेड हैं कि आप एक 30,000 का रेसिंग व्हील लेना जस्टिफाई कर सकें। तो अगर आपको उस तरह का इंटरेस्ट है तो आई वुड डेफिनेटली से यू शुड गो अहेड एंड गेट इट। अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें तो थोड़े प्लास्टिक कहीं कहीं जगह थोड़े से चीप क्वालिटी के हैं, बट गिवन दैट यू नो इट्स एन एंट्री लेवल रेसिंग व्हील, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और उस हिसाब से फीचर्स काफ़ी रिच है, तो आई थिंक ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है जो किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।